छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरायपाली के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सरायपाली के बैनर तले समस्त विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी आज SDM सरायपाली को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने केंद्र के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता की मांग की है। गौरतलब हो कि केंद्र के द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्तमान में 34% महंगाई भत्ता दी जा रही है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को मात्र 17% महंगाई भत्ता दी जा रही है। समय समय पर केंद्र शासन 28% से 30% जुलाई माह में महंगाई भत्ता बढ़ाई जाती है। राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को पूर्व में भत्ता दिए जाते थे, किंतु वर्तमान सरकार के द्वारा DA में कटौती के साथ साथ समय पर नहीं दिया जाता है। केंद्र शासन द्वारा 17% से 28% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से प्रभावशील किया था, जिसमें देय तिथि 1 जनवरी 2020 का 4%, 1 जुलाई 2020 का 3% एवं 1 जनवरी 2021 का 4%, कुल 11% सम्मिलित है। केंद्र शासन के द्वारा 1 जुलाई 2021 को अपने कर्मचारियों को 28% से 31% स्वीकृत किया गया है, 1 जनवरी 2022 को 31% से 34% स्वीकृत किया जा चुका है। ज्ञापन में फेडरेशन ने बताया कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन की द्वितीय चरण में 29 जून 2022 को समस्त कर्मचारी अधिकारी रायपुर में महारैली करने के बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तो 25 से 29 जुलाई कलम बंद, काम बंद, हड़ताल पर चले जाएंगे। तब भी बात नहीं मानी गई तो अंतिम चरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। महासमुंद बस्ता से नंदलाल मिश्रा, CG Vision TV।